बिहार के कैमूर में तेज बहाव में फंस गए पिकनिक मनाने गए लोग, 11 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। उफंती नदी और बीच में किसी टापू नुमा जगह में फंसे हुए लोग, इन सबके बीच बड़ा चैलेंज ये कि उन फंसे हुए लोगों को निकाले कैसे, क्योंकि नदी में बहाव अचानक तेज हो गया था, उफान बहुत भयानक था। दूसरी तरफ फंसे हुए लोग कोई चट्टानों में अटके थे, कोई पेड़ की ओट लिए हुए दिख रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था और सब लोग किसी टापू में शरण लिए हुए थे। वाटरफॉल के ऊपरी हिस्से में उफान इतना डरावना था कि उससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, फिर गोताखोरों की मदद से इस छोर से उस छोर तक मोटे मोटे रस्से डाले गए, फिर एक एक करके फंसे हुए लोगों को निकाला गया। करीब 15 घंटे बाद एक के बाद एक 11 लोगों को इस संकट से बाहर निकाल लिया गया। इन लोगों को कल शाम ही रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू की गई थी, लेकिन तब पानी का बहाव काफी तेज था जिससे वो कोशिश नाकाम रही थी। यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए की दहशत, घर की छत पर सो रहे बच्चे पर किया हमला। बहराइच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बेड पर पड़ा 11 साल का इमरान बीती रात भेड़िए के हमले में बाल बाल बचा। ये घटना मैसी इलाके के पिपरी मोहन गांव में बीती रात करीब 2 बजे हुई। उस समय इमरान अपने घर की छत पर इसी चारपाई पर सो रहा था, तभी भेड़िए ने हमला करके उसकी गर्दन दबोच ली। बच्चे की बहन की आंख खुली तो उसने शोर मचाया, फिर उसकी भाभी ने भी शोर मचाया तो भेड़िया भाग खड़ा हुआ। इस बच्चे का परिवार गर्मी से बचने के लिए छत पर सोया है क्योंकि इनके घर में बिजली नहीं है। सबसे ज्यादा इधर लाइट की दिक्कत, सबसे ज्यादा अब 3 खंभे लग जाएं तो हमारे यहाँ लाइट की सेवा उपलब्ध हो जाए। भेड़िए के इस ताजा हमले के बाद वन विभाग के कर्मचारी भेड़िए की तलाश के लिए ड्रोन कैमरे लेकर आए, सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन भेड़िए का कहीं कोई पता नहीं चला। बहराइच के मैसी इलाके में पिछले लगभग 200 दिन से आदमखोर भेड़िए का आतंक है। करीब 150 वन कर्मी ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। अस्पताल मरीजों की जगह आवारा कुत्तों की आरामगाह बन गया है। मामला यूपी के बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास जिला अस्पताल का है। न इंसानों का शोरगुल, न पक्षियों का कोलाहल, सुकून का कोना मिला था। एक नंबर बेड पर जनाब आराम फरमा रहे थे, खामखा नींद से जगा दिया। कैमरा देखा तो सकपका गए। फुर्सत से नीचे उतरे और अपने बाकी साथियों के साथ बेड के नीचे पसर गए। सरकारी अस्पतालों की पोल खोलती यह तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां जिला अस्पताल आवारा कुत्तों की आरामगाह बन गया है। वार्ड में गंभीर मरीजों के साथ बेड पर और बेड के नीचे आवारा जानवर बसेरा बनाए हुए थे। सवाल यह है, अगर आवारा जानवरों से मरीजों को इन्फेक्शन हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अस्पताल का वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल है। बरसात के मौसम में सावधान रहने वाली खबर। मध्य प्रदेश के कटनी में जहरीले कोबरा के बस्ती में पहुँचने से हड़कंप मच गया, फिर क्या हुआ खुद ही देखिए। झाड़ियों के बीच कोबरा चूहे को दबोचे बैठा था, मोहल्ले वालों ने देखा तो सांप सूंघ गया। आनन फानन में भीड़ जमा हो गई, लोग लाठी डंडे लेकर कोबरा को मारने पहुंच चुके थे। इसी दौरान खबर सर्पमित्र कही जाने वाली अमिता श्रीवास तक पहुंची। अमिता तुरंत मौके पर पहुंची। सांप पकड़ने के लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं होने के बावजूद कोबरा के रेस्क्यू में जुट गई। जगह दो। पलट जाएगा वो। अरे कोबरा से काफी देर तक जोर आजमाइश के बाद कामयाबी मिल ही गई। सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में कैद कर लिया गया और फिर जंगल में छोड़ दिया। सांप का रेस्क्यू करने वाली अमिता श्रीवास को सर्पमित्र के नाम से जाना जाता है। अमिता अब तक कई सांपों का रेस्क्यू कर चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।